यूपी के संभल जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में हुई फायरिंग के दौरान गोली लगने से दो लोगों की मौत हो गई। खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से चली गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई। गोलीकांड की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि कोतवाली पुलिस ने समय रहते विवाद को सुलझाने का प्रयास नहीं किया। आपको बता दें कि दोनों मृतक आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि गोलीकांड में दो लोगों की मौत हुई है। खेत की मेड़ के विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच गोलीबाजी हुई है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी है। गुन्नौर में ग्राम रसूलपुर में दो आपसी रिश्तेदार हैं जो खेत में मेड़ पे लगे हुए पेड़ को काटने के विवाद में आपस में मारपीट की है और उसके बाद फायरिंग की है, जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और दोनों पक्षों से गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। आपसी मारपीट के जितने लोग शामिल हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।